हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज विद आलोक सिंह राजपूत में। फाइनली वित्त मंत्रालय ने फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से जो मार्च 2020 से उसकी सैलरी से और पेंशन से रिलेटेड बड़ी खबर आ रही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो है कि आपके मार्च की सैलरी और पेंशन किस टाइम आएगी, कब आएगी, ये सारी सिचुएशन को देखते हुए आपको पता है। इस टाइम पे बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक, और अगर चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब के रेड बटन को प्रेस करके, साथ ही साथ हमारी वीडियोज़ की लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए आप घंटे के निशान को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट कर लीजिए, तभी आपके पास हमारी वीडियोज़ की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ पाएगी और आप हमारी वीडियोज़ को वॉच कर पाएंगे। इसलिए सब्सक्राइब के रेड बटन को प्रेस करके इस घंटे के निशान को प्रेस कर लीजिए। चलिए आपको लेकर चलते हैं उस ऑफिस मेमोरेंडम पर। आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया गया है 23/3/2020 को, जिसमें आप देख सकते हैं कि पहले गवर्नमेंट डीओपीटी की तरफ से कहा गया था कि गवर्नमेंट ऑफिसेस में मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट में सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज ही फंक्शन करेंगी, बाकी उसके अलावा कोई भी एम्प्लॉइज अपने घर से नहीं आएंगे। इसके अलावा उसी की जो है उसी की कड़ी में नेक्स्ट नोटिफिकेशन निकाला गया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से कि आपकी सैलरी और जो पेंशन होगी वो कब प्रोवाइड की जाएगी। आप देख सकते हैं इन द प्रेजेंट सिचुएशन द स्मूथ एंड नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर सिस्टम इज क्रिटिकल टू सेफ गार्ड द पब्लिक इंटरेस्ट, देयर फॉर द एक्सपेंडिचर फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट इन जनरल एंड द इंटीग्रेटेड फाइनेंस डिवीजन IFD ऑफ मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट एंड ऑफिस ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट CGA इन पर्टिकुलर आर एसेंशियल सर्विसेज, इंडेड इन सर्टेन सेक्टर द एक्सपेंडिचर सिस्टम में हैव टू फंक्शन मोर क्विकली देन नॉर्मल टू कोप विद द इमर्जिंग नीड्स। तो आप देख सकते हैं जो इंटीग्रेटेड जो कंट्रोल जनरल ऑफ अकाउंट्स CGA या इंटीग्रेटेड फाइनेंस अकाउंट्स है जो जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का IFD का, उसको जो है बिल्कुल असेंशियल सर्विसेज में आते हैं, तो उनको प्रॉपर तरीके से मोर क्विकली तरीके से इसको नॉर्मल करना जो है इसमें कोप विद करना है, आप देख सकते हैं इमरजेंसी नीड्स में। तो आगे आप देख सकते हैं accordingly the following clarifications with specific reference to IFDs and CGA are issued। आप देख सकते हैं पहला पॉइंट जो है absence of staff shall not be reason for any delay or non functioning of the payment and accounting system। तो आप देख सकते हैं कि किसी भी रीज़न के जो absence है स्टाफ के उसके चलते किसी भी रीज़न के किसी की पेमेंट और जो अकाउंट सिस्टम है वो डिले नहीं किया जाएगा। दूसरा पॉइंट आप देख सकते हैं पे एंड अकाउंट्स ऑफिसेस एंड अदर ऑफिसेस डीलिंग विद पेमेंट शैल रिमेन ओपन ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स, यानी आप देख सकते हैं जो आपकी जो पेमेंट है वो जो ड्यूरिंग ओपन आवर्स हैं उसी के टाइम पे आपको काम करना है, यानी आपको सही समय पर ही आपकी सैलरी आपको सैलरी और पेंशन आपकी जो है अकाउंट में पहुंचाई जाएगी। उसी के रिगार्डिंग आप नोटिफिकेशन देख रहे हैं, आप देख सकते हैं इसमें। तो मैं बता दूं बाकी ऑफिसेस में जो जो है मिनिमम असेंशियल सर्विसेज ही प्रोवाइड की जा रही है और उसी के अंतर्गत CGA और जो IFD मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट है वो अंदर आते तो उसी के अंदर आते तो उससे सैलरी आपकी जो है कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, आपके जो भी एब्सेंस है स्टाफ उसके चलते भले ही आपकी सैलरी टाइम पर आई। उसी के रिगार्डिंग मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर से जारी किया गया ऑफिस मेमोरेंडम है, आप इसको देख लीजिए। वीडियो अच्छा लगा लाइक करेगा, शेयर जरूर सभी के साथ करिएगा, ऐसे न्यूज़ अपडेट्स के हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।